क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। लॉकडाउन के दौर में क्रिकेट ही क्या, हर तरीके का खेल टूर्नामेंट बंद है और कहीं ना कहीं आम लोगों की तरह इन खिलाड़ियों के मन में भी इसे लेकर डर है कि क्या ये महामारी कभी खत्म होगी या नहीं। ये भय भी है कि क्या मैच कभी शुरू होंगे या नहीं। अब इस पैनिक माहौल को गौतम गंभीर ने अपने एक बयान से और भी पैनिक बना दिया है। गौतम गंभीर ने महामारी को लेकर स्टार स्पोर्ट्स पर कुछ ऐसा कह दिया जो ना तो खिलाड़ियों के जीवन के लिए अच्छा है और ना ही फैंस को गंभीर की ये बात पसंद आने वाली है। तो क्या कहा गौतम गंभीर ने, आपको सब बताते हैं। आप भी इसे लेकर कमेंट जरूर करें। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने कहा, ये महामारी कभी खत्म नहीं होने वाली है, अब इसे हमें जीवन का हिस्सा मान लेना चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं कि 2-4 महीने में सब ठीक हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। गंभीर ने आगे कहा, खिलाड़ियों और अन्य सभी को इस वायरस के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। शायद उन्हें इसका आदी हो जाना चाहिए कि ये एक वायरस है जो हमेशा रहेगा। खिलाड़ी खुद इससे संक्रमित भी हो सकते हैं, लेकिन आपको इसके साथ ही रहना होगा क्योंकि ये वायरस ऐसे ही नहीं जाने वाला। गंभीर ने आगे कहा, मुझे डर है कि जैसे ही स्पोर्ट्स इवेंट शुरू होंगे तो ये वायरस बहुत से खिलाड़ियों को अपनी चपेट में ले लेगा। खिलाड़ी चाहकर भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख पाएंगे। गंभीर बोले, क्रिकेट में तो दूरी बनाकर रखना फिर भी संभव है, मगर फुटबॉल और हॉकी जैसे खेलों में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। इसलिए मुझे लगता है कि आपको इसके साथ रहना होगा और अगर आप इसे जल्द से जल्द स्वीकार कर ले तो ये बेहतर होगा। गंभीर का मतलब साफ है कि ये महामारी कभी खत्म नहीं होगी और क्रिकेटर्स को हमेशा डर के साए में ही खेलना होगा, यानी हथेली पर जान रख कर ही क्रिकेटर्स और अन्य खेलों के खिलाड़ियों को खेलना होगा। वैसे आपको क्या लगता है, ये महामारी कभी खत्म होगी या नहीं? क्या इंसान इस बीमारी को कभी मात दे पाएगा या फिर गंभीर की बात मान लेनी चाहिए? कमेंट जरूर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।